अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो में हम बात करेंगे सिंध एम डी का 2023 रिकंडक्ट के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है कि सिंध नगरा हुकूमत ने जो है एम डी का 2023 रिकंडक्ट करवाने के हवाले से जो है फैसला दिया था। जे आई टी की रिपोर्ट की रोशनी में, इंक्वायरी कमेटी की जानब से जो रिपोर्ट आई थी उसकी रोशनी में सिंध नगरा हुकूमत ने जो था वो एम डी का 2023 रिकंडक्ट करवाने के हवाले से फैसला किया था और पी एम डी सी को उस हवाले से जो है प्रपोज डेट का ख़त भी लिखा था। तो अब जो है सिंध हाई कोर्ट में जो है वो एक नया केस सामने आ चुका है और ये केस किस हवाले से है, एम डी का 2023 के हवाले से। और इस वीडियो में इस हवाले से आपके साथ जो है इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो बख्तावर रजा नामी तालबा ने जो है जे एस एम यू जनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ जो है सिंध हाई कोर्ट में जो है वो केस कर दिया है और जनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी पी एम डी सी पर जो है वो सिंध हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया गया है। याद रहे कि ये जिस स्टूडेंट ने जो केस किया है उसने जो है वो 91% जो है वो मैट्रिक में मार्क्स हासिल किए हैं, 88% जो है वो एफ एस सी में और 182 मार्क्स जो है एम डी कैट में हासिल किए हैं। तो एम डी कैट 2023 रिकंडक्ट के ख़िलाफ़ जो है वो केस सामने आया है सिंध हाई कोर्ट में। और इससे पहले जो था वो नगरान सिंध हुकूमत ने जो था वो एम डी कैट 2023 रिकंडक्ट करवाने के हवाले से फैसला दिया था। तो आप जो है वो एम डी कैट 2023 रिकंडक्ट के खिलाफ जो है सिंध जनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी और पीएमडीसी के खिलाफ जो है सिंध हाई कोर्ट में जो है वो केस दायर कर दिया गया है। दोस्तों ये थी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन एम डी का 2023 रिकंडक्ट के वाले से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतने मिलेंगे के साथ अपना बसर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।